हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया है। और ये जो अपडेट है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जाम 2019 को लेकर के, जिसमें से यहाँ बताया गया डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है, स्टेनोग्राफर का जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनको भी इससे जुड़ी जानकारी और अपडेट मिलती रहे। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें आयोग की ओर से कहना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैड कंडक्टेड स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2019 ऑन 21/10/2021 एंड 22/10/2021। ए टोटल ऑफ 1215 कैंडिडेट्स वर क्वालिफाइड फॉर अपेयरिंग इन स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड 7792 कैंडिडेट्स वेयर क्वालिफाइड फॉर अपेयरिंग इन स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो है यह एग्ज़ाम हुआ था ग्रेड सी और डी एग्जामिनेशन, वो हुआ था आपका 21/10/2021 को और 22/10/2021 को। और उसमें से 1215 जो कैंडिडेट्स हैं वे लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं ग्रेड सी के लिए, और 7792 कैंडिडेट्स जो हैं क्वालिफाइड हो चुके हैं अपेयरिंग में, जो वो ग्रेड डी में हो गए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं टोटल। इसके बाद यहाँ पर आप लोग आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन द कट ऑफ फिक्स्ड बाय द कमीशन इन द स्किल टेस्ट, ए टोटल ऑफ 161 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड 2101 फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर डी हैव क्वालिफाइड टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं उसमें से 161 कैंडिडेट्स जो हैं 161 कैंडिडेट्स जो हैं वो ग्रेड सी के लिए, और 2101 कैंडिडेट्स जो हैं ग्रेड डी के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं पूरी तरीके से, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको बुलाया जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2101 और 161, यानी कि आप देख सकते हैं 2300 के आसपास कैंडिडेट्स को जो है सी और डी के लिए बुलाया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। द डिटेल्स ऑफ कैटेगरी वाइज कट ऑफ फिक्स्ड ऑन परसेंटेज ऑफ एरर मिस्टेक्स अलाउड इन स्किल टेस्ट एंड द कैंडिडेट्स अवेलेबल आर द अंडर। तो यहाँ पे देखिए, अब आप कट ऑफ कैटेगरी वाइज दिया गया है, यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए चाहिए EWS, SC, ST, OBC, UR, VH, अदर, फिर टोटल। तो यहाँ 161 है। यहाँ पे देखते EWS में लिए कट ऑफ जो था वो 7% का था, जो मिस्टेक्स वाले था उसमें कैंडिडेट्स अवेलेबल है 25। उसी प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं एक करके। इसी प्रकार का यहाँ पे है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए, सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। तो 2101, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल लगभग 2300 के आसपास कैंडिडेट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे आगे में क्या है। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपियर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व्हिच इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। तो 2022 का अप्रैल के लास्ट वीक में इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और द शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन शॉर्टली। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में विजिट वेबसाइट द रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट। तो यहाँ पे जो है रीजनल ऑफिस में आप लोगों को देखते रहना है, विजिट करते रहना है, यहीं पे आप लोगों को सारा अपडेट दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि अप्रैल के जो है लास्ट वीक 2022 में ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे पास कर लिए हैं। द अबव सेड लिस्ट आर प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स प्रिस्क्राइब फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट इन द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन टू देयर आइडेंटिटी विथ रेफरेंस ऑफ देयर फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड राइटिंग ETC ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन सर्टिफिकेट। तो ये जो है कैंडिडेट्स, इनको सारी के सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ सिग्नेचर हैंड राइटिंग सारी चीज़ों को मिला दिया जाएगा यहाँ पे, और आप लोगों का एलिजिबिलिटी को पूरा चेक किया जाएगा, यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए ये भी बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स ऑफ एरर परसेंटेज ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी विल बी अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट ऑन 12/4/2022। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12/4/2022 टू 30/4/2022। कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाय यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन पासवर्ड ऑन क्लिक ऑन रिजल्ट मार्क टैब ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। तो कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाने के बाद में आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपने नंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से। और ये जो आप लोगों का फैसिलिटी रहेगा वह 12 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक ये
वहाँ पे रहेगा, उसके बाद में आप लोग देख नहीं सकते हैं। तो ये जो है इस डेट को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7/4/2022 का ये नोटिस है, अपडेट है। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है कि जितने भी कैंडिडेट्स जो थे स्टेनोग्राफर CNT क्रेट एग्जामिनेशन 2021 का, उनका जो है रिजल्ट डिक्लेयर जारी कर दिया गया है स्किल टेस्ट का, और उसके बाद में इनको और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और वह जो है आपका अप्रैल के लास्ट वीक में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आयोग का कहना है। तो यही एक नया और इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा अपडेट है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। तो आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे।